हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ट्रैवलिंग दुनिया में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो गाइस, मैंने सोचा आज आपको रात में दिल्ली दिखाऊं। हम निकले थे पुरानी दिल्ली के लिए कुछ खाने के लिए, मगर हमारे कुछ प्यारे मित्रों का प्लान ही चेंज हो गया। अब वो कहते हैं कि चलेंगे द्वारका, और द्वारका में कुछ होगा तो वो खाएंगे। तो द्वारका में मलाई मोमोज मिलते हैं, उनका वो प्लान बनाया कि मलाई मोमोज खाएंगे। तो मैं आपको रास्ते में दिखाऊंगा कि दिल्ली कैसी दिखती है रात में, और जो दिल्ली वाले भाई है वो कहेंगे यार हमने तो देखी हुई है, मगर यार बाहर वालों ने नहीं देखी, उनको देखने दीजिए। तो बाहर वालों को दिखा देते हैं दिल्ली की कैसी दिखती है रात में, और वहाँ पहुँच के मैं बताऊँगा मोमोज कितने रुपये के हैं और कितने रुपये में आप खा सकते हैं, और क्या क्या चीज़ मिलती है, क्या क्या देखने लायक चीज़ है। कुछ लायक तो है नहीं वहाँ देखने के लिए, तो जो चीज़ खाने के लिए है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि क्या खाने के लिए। तो मिलते हैं द्वारका के अंदर। तो गाइस, एक और बार हमारा प्लान चेंज हो चुका है। अब वापस हम ओल्ड दिल्ली जा रहे हैं। ओल्ड दिल्ली में इनको पता नहीं क्या मिलेगा खाने के लिए। वैसे गाइस मैं बता दूं, ओल्ड दिल्ली जो है काफी फेमस एरिया है नॉन वेज के लिए। आप नॉन वेज खा सकते हैं ओल्ड दिल्ली के अंदर, काफी सारी चीज मिल जाएगी, काफी वैरायटीज मिल जाएगी आपको नॉन वेज की ओल्ड दिल्ली में। तो मेरे ये प्यारे मित्रों का प्लान चेंज हो गया है, तो अब चलते हैं ओल्ड दिल्ली की तरफ, और मैं दिखाता हूँ ओल्ड दिल्ली कैसा दिखता है और उसके रास्ते में जो भी पड़ने वाली चीजें है वो कैसी दिखती है। आगे मिलेंगे, बात करेंगे। अब मैंने बता ही दिया कि ओल्ड दिल्ली जा रहे हैं, तो फिर कोई तो की नहीं बनता कहीं गाड़ी और मोड़े, तो अब कोई प्लान चेंज नहीं होगा। मैंने वो अंडी बंडी संडी वो वाला चढ़ा दिया है। तो गाइस निकल रहे अभी यहाँ से, वापिस गाड़ी मोड़ ली है ओल्ड दिल्ली के लिए। ओल्ड दिल्ली जाके बताएंगे कि क्या खा सकते हैं आप, और हमने क्या खाया, कितने रुपए का है, क्या मेन्यू में है, और वैरायटीज जो भी होगी। मैं थोड़ी वैरायटीज बता दूं आपको कि काफ़ी फेमस चीज़ें हैं वहाँ पे, जैसे चिकन टिक्का, तंगड़ी कबाब, और पता नहीं काफ़ी सारी चीज़ें यार नॉन वेज की। मेरे को इतने नॉलेज भी नहीं है क्योंकि मैं बहुत कम नॉन वेज खाता हूँ। नहीं, नॉन वेज की बोले तो काफी सारी चीज है गाइस, वहां जाके बताऊंगा आपको मेन्यू के अंदर क्या क्या है, और अब मिलेंगे आगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं ओल्ड दिल्ली, और अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है खाना कहाँ पे है। जायका, चिकन चंगेजी, कौन से में बैठना है इनको खुद नहीं पता। अभी डिसाइड करेंगे तब मैं बताऊंगा कहाँ बैठेंगे और क्या खाएंगे।
मेरे को तो लगी है बहुत तेज भूख, और मैं तो कह रहा हूँ कहीं भी बैठ जाओ यार, रोड पे बैठ जाओ, रोड पे बैठ के खा लूंगा मैं तो। तो भाई कुछ हुआ डिसाइड तुम्हारा? जायका? तो फाइनली डिसाइड हो गया जायका चलने के लिए। तो गाड़ी करते थे पार्क और फिर चलेंगे जायका, और जायका का आपको मेन्यू बता दूंगा और प्राइस भी बता दूंगा कि कितने कितने रुपए का है, मिलेंगे जायका के अंदर। तो गाइस हमने ऑर्डर कर दिया चिकन बटा और क्या था, चिकन चंगेजी स्पेशल जो जायका का है, और 8 रुमाली रोटी और 1 बटर नान। ये सारी चीज़ ऑर्डर कर दी है, अब जो बिल आएगा वो मैं बता दूंगा और इसका मैं रेट बता देता हूँ। जो चिकन बन रहा है वो 550 का फुल है, और जो क्या था दूसरा, चिकन चंगेजी वो 3 पीसेस का है 260 रुपीज़। रुमाली रोटी 10 रुपये की और बटर नान है 60 रुपये। तो 1 बटर नान, 8 रुमाली रोटी, ये सारी ऑर्डर करिए। और क्या ऑर्डर करिए वो दे देख लेंगे बाद में, बाकी मैं मेन्यू आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगा क्या क्या मेन्यू है, कितने कितने रुपये का। तो मिलते आगे। तो गाइज जायका से निकलने के बाद हम अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं, और मैं जायका का खाना बता देता हूँ आपको। एवरेज था, अच्छा ना, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं, वो मतलब 70% कह सकते हैं अच्छा खाना था। और जो बिल बना था हमारा 1907 का बना था, उसमें हम मैंने आपको बताया था एक चिकन चंगेजी स्पेशल जायका वालों का था, और एक था चिकन बर्रा, 2 नान थे बटर नान, और 1 खमीरी रोटी, और 8 हमारी रुमाली रोटी थी, और 1 खीर, मिनरल वाटर, और कुछ तो था नहीं ज़्यादा। तो इन सब का मिला के, हाँ कढ़ाई चिकन हम भूल गए, कढ़ाई चिकन था वो पता नहीं कितने का था। बिल मैं आपको शेयर कर दूंगा, और मैंने आपके साथ मेन्यू भी शेयर किया हुआ है, सारे आइटम्स के रेट सारे आइटम आपके साथ शेयर किए हुए उस वाली वीडियो में, पिछली वीडियो में। और मोहितो, वर्जिन मोहितो, 1 था 89 रुपीज़ का प्लस टैक्सेस शायद लगा हुआ उसमें। तो टोटल हमारा 1907 का बिल बना था, खाना ओवरऑल अच्छा था, बैड नहीं था कुछ भी उसमें। और यही था गाइस, बाकी मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया सारी चीज़ें, उसकी मेन्यू जो है वो शेयर कर दिया है, तो आप देख लीजिएगा। कभी आपका मन करें, लगे रात का चक्कर, आप अगर बाहर से आए हैं, दिल्ली में नहीं रहते या कहीं और रहते किसी भी प्रदेश में, किसी भी राज्य में, तो आइए एक बार और जायका को ट्राई कीजिए, अच्छा है काफ़ी इसका आइटम। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।